नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। यदि आप काम अच्छा ही करते तो आज जनता आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती। हमने दुर्व्यवहार शब्द का इसलिए उपयोग किया कि हम जो ये खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, मोतिहारी से 3 बार के विधायक, 15 सालों से विधायक हैं, 3 बार के विधायक जो हैं प्रमोद कुमार, जब अपने क्षेत्र अमर छितौनी पहुंचे तो क्षेत्र की जनता ने उनको घेर लिया, वापस जाओ के नारे लगाए और कहा कि अब क्यों आए हैं। विधायक जी उसके बाद भी हाथ जोड़ते रहे, जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखा कि कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं जनता से कि इस बार भर मौका दीजिए, लेकिन जनता उनके रिहाई के मूड में नहीं है। यहां तक कि जब वो निकलना चाह रहे हैं वहां से, उनको जनता पकड़कर कि ये देखिए उनके कामों को दिखा रही है कि आपने किया क्या है, और जनता जो है उनको दुत्कार रही है। यानी कि भाजपा की इज्जत अब मोतिहारी में कहीं ना कहीं दाव पर लगी है। और सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, इस चुनाव के समय बहुत सारे विधायकों की ऐसी तस्वीरें आईं जिनको जनता ने नकार दिया। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद नेशन भारत का कहीं ये नहीं है कि हम उस विधायक के विरोध में हैं। दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने क्या किया है और जनता जो है आपके साथ अब ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। यानी कि जनता भी अब सजग है, कहीं ना कहीं वो अपने अधिकार को समझती है, अपने तरक्की को समझती है, अपने क्षेत्र में विकास के ऊपर जनता की नजर रहती है। आप चलिए ना, बस सवाल था। रोको, रखिए रखिए, रोको, आगे कहा बेइज्जत करे वाला काम करने वाले तो क्या करिया वाला काम करने वाले करे वाला काम करने वाले मोतिहारी में ही जब भाजपा का चुनाव रथ, आप देख लीजिए वीडियो में, जब भाजपा का चुनाव रथ कुछ इलाके में गया है तो महिला कितनी सजग है, महिलाओं ने उस रथ को अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया कि हमें आपका चुनाव प्रचार नहीं देखना है। तो आपने तस्वीरों में देखा
किस तरीके से प्रमोद कुमार को भाजपा के विधायक, एक सीनियर विधायक भाजपा के, को कैसे जनता ने दुत्कारा है, उनको घींच रही है, उनके विकास करिए कि क्यों आए हो यहाँ पे, अब निकल जाओ यहाँ से। भाजपा के विधायक प्रमोद कुमार माफी मांग रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, माफी मांग रहे हैं, तब भी जनता उनको घींचे जा रही है कि नहीं जाओगे कहाँ, देख लो पहले कि तुमने क्या किया इन 15 सालों पे। फिर जनता नारा लगाती है कि प्रमोद कुमार को हटाओ, प्रमोद हटाओ और मोतिहारी बचाओ के वहां नारा लगते हैं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाए उसमें कैसे महिला सजग है, और इसको आप कह सकते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण का एक कितना बड़ा नमूना है कि महिलाएं संगठित होकर भाजपा के चुनाव रथ को, प्रचार रथ को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देती हैं कि हम लोग सब कुछ अब मोबाइल पे देख लेते हैं, तुम्हारी क्या है करनी और तुम्हारी क्या है कथनी। अब चुनाव नतीजे जब 10 तारीख को आएंगे तब सबके भाग्य का पिटारा खुलेगा कि किसने जनता के साथ इंसाफी की है और किसको जनता ने नाइंसाफी समझकर, जनता ने गद्दार समझकर उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।